आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई देंगे जब आपकी बच्चेदानी खराब होने लगेगी। पहला लक्षण हैवी ब्लीडिंग होना। इसका मतलब है कि जब भी आपका पीरियड आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और लंबे समय तक होगी। वैसे नॉर्मली महिलाओं का पीरियड 4 से 5 दिनों तक रहता है, लेकिन यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा अमाउंट में हो रही है और पीरियड भी आपका 8 से 10 दिन तक चल रहा है या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम तक चल रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि जो बच्चेदानी खराब होने का सबसे कॉमन लक्षण है वह यही होता है। इसके अलावा अगर आपको 1-2 महीने पीरियड सही से आ रहा है, इसके बाद फिर आपके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, तो भी तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा लक्षण, पैरों और कमर में दर्द रहना। यदि आपको पैरों या फिर कमर में दर्द की समस्या हो रही है और यह लंबे समय तक रहती है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा आखिर क्यों होता है। फ्रेंड्स, महिलाओं का जो गर्भाशय होता है उसमें 2 ओवरी होती हैं और गर्भाशय में 3 परत होती हैं। फिर जब बच्चेदानी की इन तीनों लेयर में से किसी भी लेयर में कोई संक्रमण हो जाए, गांठ हो जाए या फिर ओवरी में कोई गांठ पड़ जाती है, तो फिर इसी वजह से आपको कमर दर्द और पैरों में दर्द या फिर पीठ में दर्द की समस्या होने लगती है। क्योंकि जब आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर गर्भाशय में सूजन आने लगती है, जिसकी वजह से यूट्रस के लिगामेंट में दबाव पड़ने लगता है, यानी कि जो गर्भाशय की लेयर होती है उन पर दबाव पड़ता है और आपको कमर दर्द, पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होने लगती है। अगला है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि यदि आपका पेट साफ नहीं होता, जबकि आप अच्छी डाइट ले रही हैं, पानी भी सही मात्रा में पी रही हैं और फाइबर का सेवन भी आप पर्याप्त मात्रा में कर रही है, फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, तो इसका कारण है कि जब गर्भाशय में इंफेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके आसपास जो बड़ी आंत होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी आपको कब्ज की समस्या होती है। और यदि बराबर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रह रही है तो यह भी शुरुआती लक्षण होता है कि आपकी जो बच्चेदानी है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत अवश्य हो रही है, तो एक बार डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी बच्चेदानी का चेकअप अवश्य करवाएं।